व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक राय और एक बार फिर स्वागत है मेरे एक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चलने वाले हैं एक मूवी देखने और वो मूवी मॉल में देखने जाएंगे और उस मॉल की अपनी ही एक अलग कहानी है जिसको मैं वहां जाके ही बताऊंगा। कौन सा मॉल है वो भी आपको वहां चल के ही पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम अपनी बाइक को रेडी कर लेते हैं और रेडी करने के बाद फिर निकलते हैं। मॉल है, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इसका नाम है गार्डन गैलरी और इसमें जो सिनेमा है वो है आइनॉक्स। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि असल में इसका नाम क्या है, तो गार्डन गैलरी है इसका नाम। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बुलेट राजा की जो शूटिंग है इस मॉल में देखी है। बुलेट राजा मूवी अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें एक सीन है जिसमें इसको खंडहर दिखाया गया है, यानी कि ये जो मॉल है ये उस टाइम पर बन रहा था, अभी बना नहीं था, कम्प्लीट नहीं हुआ था। तो उसमें सीन, फाइटिंग सीन जो है ये इस मॉल में हुआ था उस टाइम पर। और हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से जो शीशा था वो सैफ अली खान को तोड़ते हुए नीचे कूदना था, जंप करना था और नीचे जो है फाइटिंग सीन फिर करना था आगे। तो इस तरह से कुछ सीन जो है वो शूट हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे आना मना कर दिया गया था, पर मैंने कैसे भी सोर्स कुछ लगा के और उस टाइम पे सैफ अली खान की वो फ़ोटो मैंने वहाँ पे क्लिक की थी जब वो अपने वैनिटी वैन में आ रहे थे उस टाइम पे। के साथ मैंने प्लान बनाया था मूवी देखने का, वो आ चुका है अंदर पहले से और वो असल में जोधपुर से आया है, काफ़ी दिन बाद लखनऊ आया है, तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान बनाया एक साथ मूवी देखने का। और उसने जोधपुर कुछ टाइम बाद इनवाइट भी किया है तो हम लोग भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम ब्लॉग करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं अंदर मूवी देखते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है। ये जो मॉल है ये दरअसल पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, अभी बन ही रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये एक ही स्टोर है जो ये ओपन है, ईजी डे क्लब का। और बस ये ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइनॉक्स का जो है सिनेमा चल रहा है, सिर्फ यही दो अभी ऑन है। इसके बाद आपको अभी मॉल दिखेगा अंदर से कि कोई भी स्टोर अभी खुला नहीं है। मॉल में दरअसल अंडरग्राउंड पार्किंग है, बाइक मैंने पार्क कर दी है, तो अभी चलते हैं मॉल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टोर ओपन नहीं है, तो आप देख सकते हैं इस समय कि कोई भी यहाँ पे स्टोर अभी ओपन नहीं हुआ है। ये जो मॉल है ये मेरे घर के सामने ही है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फ्रेंड आया हुआ है वो जोधपुर में महिंद्रा में जॉब करता है, वह कुछ दिन के लिए आया है वो, और कल ही उसको रिटर्न होना है और इसलिए हमने प्लान बनाया कि आज ही मूवी देखेंगे हम। तो जल्दी चलते हैं। ये मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था कि मैं लाइव जो है शूटिंग होते हुए देखूं कैसे कैमरा यूज़ किया जाता है, एक्शन लाइटिंग कैसे होती है। पर मैं बुलेट राजा के टाइम पे तो नहीं देख पाया, पर हाँ मैं आपको मूवी देखने के बाद एक कहानी और बताऊंगा जहां मैंने खुद जाके सारी चीज़ें डिटेल में वहां पे देखी। और इतना ही नहीं कि मैंने वहाँ पर उस मूवी में काम भी किया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि फूड कोर्ट की ओपनिंग कुछ कुछ हो चुकी है यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब चलते हैं मूवी देखने और मूवी देखने के बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पे एक्सेलेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मूवी हमने देख लिया और मैं बता रहा हूँ कि आपको कि जो जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सुपर 30 ज़रूर देखिए। अब हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। आपको बताया था कि मूवी देखने के बाद मैं एक स्टोरी बताऊंगा, तो स्टोरी कुछ इस तरह से कि मुझे शौक था कि किस तरह से कैमरा यूज़ होता है, इस चीज़ को मूवी में मैं देखूं और किस तरह से डायलॉग बोले जाते हैं, किस तरह से लाइटिंग की जाती है। तो मैंने एक मुकद्दर नाम की एक मूवी की जिसमें मैंने ये सब एक्सपीरियंस लिया। एक्सपीरियंस उस टाइम पर मेरा काफ़ी अच्छा रहा उस मूवी में, और दोबारा मौका मिलने पर वैसा तो मैंने कोई ऐसा रोल नहीं करना चाहा क्योंकि मुझे सिर्फ कैमरा, लाइट, एक्शन किस तरह से होता है मूवी में, ये सब एक्सपीरियंस लेना था जो मैंने उस मूवी से ले लिया।
और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, सेट पे हम लोग पहुँचे थे सुबह के 12 बजे और वहाँ से हम लोग छूटे थे रात के 2 बजे। तो आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम रहता होगा और वेट करना पड़ता है जब तक आपका चांस ना आए, आपकी बारी ना आए, आपका रोल वहाँ पे ना हो जाए और अच्छे से शूट ना हो जाए। आप इस मॉल के आसपास रहते हैं या यहाँ कभी आने वाले हैं मूवी देखने, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप 4-व्हीलर से आने वाले हैं ड्राइव करके खुद, तो आपको मैं एक टिप्स दे दूं कि ये जो है ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे थर्ड गियर पे अपनी कार को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं चढ़ पाती और वापस रिवर्स में आने लगती है। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ तो फर्स्ट गियर पे ही अपनी कार को ऊपर की तरफ चढ़ाएँ ताकि वो ईजिली चढ़ पाए और उसे अच्छा पावर मिले। और मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बर्गर खाने। मेरा फ्रेंड बता रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक जगह बर्गर मिलता है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। वैसे लाइट जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो वहाँ जाके मैं व्लॉग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे अभी से अलविदा लेता हूँ। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, सबसे पहले अपने को खुश रखिए, तभी तो अपनों को खुश रख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।